टुकड़े दिए जाते वो हमें नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है कि भारत सरकार, केंद्र और राज्य दोनों हमारी ये बात मांगे माने, और जो हमारी ये हेमलता बहन जी, हमारी महामंत्री जी जितनी अपने बिंदुओं को पेश कर रही हैं, उन पे अपने संज्ञान में लेते हैं, उन बिंदुओं पे अमल करें। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये मांगे सरकार मानेगी, मानेगी, क्योंकि कोरोना काल का प्रथम योद्धा आंगनबाड़ी नहीं आशा बहुए, आशा बहुए, आशा बहुए। आप लोग कितने जिलों से आए हैं? हमारे पूरे 75 जिले आए हैं और हमारी संख्या 5000 के ऊपर है, जबकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में आशा बहनें जुटी हैं। अभी 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 वारंट कटा हुआ था मेरा, सारी आशाएं नजर बंद की, जिलाध्यक्ष नजर बंद कर ली गई हैं, लेकिन मैं कल निकल आई थी, इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हमारी बसें रोक दी गई, शासन की मंशा नहीं थी कि हम यहाँ तक अपनी बात कह पाए, क्योंकि कुछ अभद्र बहनों ने पूर्व प्लान, बिना किसी प्लान के एक अभद्र टिप्पणी करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को अभद्र टिप्पणी के द्वारा नवाजा, जिससे हमें हार्दिक तकलीफ है। और मैं सारी आशाएं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे उस गलती का एहसास है कि उन्हें कितनी बड़ी टिप्पणी दी गई, वो मेरे पूजनीय है, मैं उन्हें साष्टांग प्रणाम करती हूँ, लेकिन हमारी मांग मान ले, ये भी हम उनसे अनुरोध करते हैं। हमें हमें उन बहनों से ये उपेक्षा नहीं थी कि वो बहनें इतना गलत मैसेज दे देंगी, और इसी वजह से हमारे यूनियन का तोड़ाव किया गया है, हैं? लेकिन नहीं, वो मानेंगे और वो ये चीज जानेंगे कि मीरा सिंह गलत नहीं थी, उषा वाजपेयी गलत नहीं थी, जो इससे पहले आकर के यहाँ धरना प्रदर्शन की और उन्होंने गलत मैसेज हमारी आशाओं के लिए छोड़ दिया, उन्होंने आशाओं के हित के लिए नहीं अनहित में काम कर दिया। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है सरकार से? हमारी, हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 10 लाख का बीमा किया जाए, और मृत्यु उपरांत हमारे किसी पुत्र या पुत्री को या पति को इस नौकरी पे रखा जाए जो राज्य कर्मचारियों में होता है, और हमें 60 से 70 हजार रुपए वेतन मिलना चाहिए, ना कि हमारी आशा और आशा संगनी दोनों को 60 से 70 हजार रुपए वेतन मिलना चाहिए, 3000 और 6000 नहीं। हम लोग बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर के आर्मी से भी ज्यादा वर्क करते हैं, रात दिन संघर्ष करते हैं। आशा एकता, लेकिन आज तक हमें जो पिछली सरकार ने
ये कह के नकार दिया कि कौन आशा कैसे आशा, ये मैं नहीं जानता। और हमारे पिछले 2016 में यहाँ जो धरने हुए थे उसमें कुछ हमारी आशा बहनों ने गोमती नदी में कूद कर जान भी दी थी, उसके बावजूद भी ये बोल दिया गया था अखिलेश यादव की सरकार में कि मैं आशाओं को नहीं जानता। और वो अपने घर से वहां तक निकलकर अपनी बहनों के लिए उस विषय पर भी नहीं निकल के आए। लेकिन जितना भी आशा को काम दिया जा रहा है और जितना भी पैसा कम दिया जा रहा है उसके बावजूद भी कभी आशा ने कोई शिकायत नहीं की, बार बार रिक्वेस्ट की और आके आश्वासन किया। जब भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें यही चेताया कि हमें हाथ जोड़ के निवेदन है कि टुकड़ों में पैसा ना दें, राज्य कर्मचारी का दर्जा दें, मान सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर दें, क्योंकि हमारे भी घर परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं। और जितनी जिम्मेदारी हमने 16 साल से निभाई है वो सरकारी कर्मचारी घोषित करके देखे, जो 50,000-70,000 की सैलरी लेने वाले अधिकारी हैं, हम उनसे बेहतर करके दिखाएंगे। यही मेरी शुभकामना है सभी आशा बहनों के लिए कि हमारी मांगे पूरी की जाए। हमारी मांग सरकार से है कि जो बहने हमारे कोविड में कोविड योद्धा बन करके काम करते हुए वो जो एक्सपायर हो गई है, उनको ना उनके आज तक उनको एक भी पैसा नहीं दिया गया, ना उनके परिवार को कुछ दिया गया है। और 2,000 जो हमारे आशाओं को मिलता है, आप सरकार इस दिल पे अपने हाथ रखिए, ये देख रहे कि 2,000 में अगर सब्जी ही खरीदे तो दूध पैसा कहाँ से आएगा, दवाई